ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से पूजा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी, वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से वहां फिलहाल सिर्फ पूजा करने की इजाजत मांगी गई थी। इस मामले में कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानव्यापी में व्यास जी तहखाने को लोगों के लिए खोल दिया गया है। तहखाने में विराजमान शिव जी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु ज्ञानव्यापी पहुंच रहे हैं। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय से सवाल पूछा कि वो 31 जनवरी के आदेश को चैलेंज कर रहे हैं या जिला अदालत के आदेश को। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम समुदाय आदेश को इस तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें 17 जनवरी के आदेश को पहले चुनौती देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि 31 जनवरी का आदेश 17 जनवरी का जो जिला अदालत का आदेश है उसी का एक अंश है। साथ ही वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। जल्द ही व्यास जी तहखाने में पूजा के लिए नए पुजारी की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। फिलहाल विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो इस वक्त व्यास जी के तहखाने में पूजा करा रहे हैं। व्यास जी तहखाने में दूसरे दिन पूजा अर्चना जारी है। ज्ञानव्यापी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 31 जनवरी को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ज्ञानव्यापी में व्यास जी के तहखाने का ताला खोल दिया गया था।